हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए 1700 रुपये का शेयर जब 600 की रेंज में मिलने लगे तो देखिए गोल्डमैन सैच जैसे बड़े प्लेयर यहाँ पे 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए, कौन से ये बड़े प्लेयर हैं, कौन सा ये स्टॉक है, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, उन सारी बातों पर फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। सीधे लेके चलता हूँ आपको मैं सबसे पहले स्टॉक की तरफ। जी हाँ, ये देखिए इसका प्राइस, ये सितंबर अक्टूबर 2018 की बात है, 2017 की बात है, जब ये स्टॉक 1700 के आसपास ट्रेड किया करता था, लेकिन तब से लगातार गिरावट चल रही है और शेयर नीचे आते आते बिल्कुल लो लेवल, मतलब अपने स्टार्टिंग के प्राइस जब ये मार्केट में आया था उससे भी निचले लेवल पे आ चुका है। ये देखिए आप, 800 का रेंज थी वो, और 800 से भी नीचे की रेंज, जो 600 की रेंज में आ चुका है ये शेयर। और अब यहाँ पे अब आप सोचेंगे यार शेयर कौन सा है, पहले नाम देखिए उसका। देखिए हम बात कर रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की। हाउसिंग फाइनेंस की दुनिया में चाहे आप जो एनएफसी है, ये नॉन बैंकिंग हाउसिंग जो कंपनीज हैं जैसे कि इंडिया बुल, पीएनबी हाउसिंग, जबरदस्त गिरावट की इन्होंने मार झीली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन गिर के 10,000 करोड़ के पास पहुंच गया, 634 का करंट प्राइस है और 440 के आसपास की बुक वैल्यू इसकी है। तो कंपनी का स्टॉक जो है प्राइस तो काफ़ी नीचे जा चुका है, अर्निंग पर शेयर जो है अच्छा है, स्टॉक का पी रेशियो जो है वो घटता जा रहा है, तो अच्छी बात है ये। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्टिव प्राइसिंग के चलते क्या, देखिए सेल्स ग्रोथ 40% की। अब अट्रैक्टिव प्राइसिंग के हम गोल्डमैन सैच्स की बात कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे गोल्डमैन सैच्स, प्रेमजी इन्वेस्ट और मुंजाल, ये सब पीएनबी हाउसिंग में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, वो भी 2000 करोड़ के आसपास की। तो बहुत ही जबरदस्त ये न्यूज़ है पीएनबी हाउसिंग के लिए, और पैसा तो चाहिए ही इनको, पैसा उठाना है भाई, पैसा उठाएंगे तभी तो आगे पैसा दे पाएंगे। और ये लिमिटेड प्रेफरेंस रूट के थ्रू ये इन्वेस्टमेंट होने वाली है, और बहुत ही बढ़िया मैं कहूँगा। टू ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर प्राइवेट इक्विटी फर्म जैसे जनरल अटलांटिक है और कार्लाइल है, ये भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही बेहतरीन टेक्निकल लेवल पर अगर देखा जाए तो शेयर बिल्कुल निचले लेवल पे चल रहा है अपने, और यहीं पे आप देखिए जब मार्केट में ये आया था 2016 के टाइम फ्रेम पे, आज से 3 साल पहले, तब भी सेम प्राइस से, और अभी के टाइम पे जो प्राइस है उस टाइम के प्राइस से भी कम है। फिलहाल डाउन ट्रेंड कंटिन्यूड है इसमें, और एक कन्फर्मेशन पॉजिटिविटी दिखने को मिल नहीं रही है। अगर आप देखोगे चार्ट में भी देखोगे तो इतना स्ट्रांग कन्फर्मेशन दिख नहीं रहा। अगर रिजल्ट की मैं बात करता हूँ तो देखिए रिजल्ट में तो जो रिवेन्यू है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है ऐसा दिख रहा है। चलिए, ये हमने बात करी पीएनबी हाउसिंग की, और हाउसिंग की तरफ से सरकार भी पुश कर रही है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड ऑल को इनको मदद भी मिल रही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपकी अपनी कोई राय हो स्टॉक के बारे में तो कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।